खनिया थाना में देर रात करीब 11 बजे शिवपुरी एसपी राजेश सिंह चंदेल का अचानक खनिया थाने पर दौरा हुआ और गुंडा एक्ट हिस्ट्री शीटरों को थाने पर बुलाकर एसपी साहब ने समझाइश दी। ईद का त्योहार नजदीक है, इसको देखते हुए खनिया थाना नगर में शांति व्यवस्था बनाने की थाना प्रभारी ने समझाइश दी, क्योंकि खनिया थाना शिवपुरी जिले का सबसे दूरस्थ तहसील है और अति संवेदनशील तहसील है। इसी को लेकर एसपी चंदेल ने जैसे ही ईद का त्योहार नजदीक आया वैसे ही सभी थानों को समझाइश देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर भी एसपी राजेश सिंह चंदेल ने थाना प्रभारी को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की विधि सीखने को लेकर कहा कि आप अपने स्टाफ से दो लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दें, जिससे खनिया थाना नगर की ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। आज आके हमने कर्मचारियों से जो काम कर रहे हैं और जो हमारे पीएसक्यू के छात्रों के निर्देश हैं उनके बारे में उनको प्रायोरिटी से बताया और उनको किस तरह से काम करना चाहिए, जनता विधि पर संपर्क रखना चाहिए, अपने क्षेत्र में क्या क्या बदमाशों के बारे में अपराधों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो सारी बात करी। कई लोगों ने अच्छे काम यहाँ पे किए हैं, उन्होंने भी बताया तो उनके रिवॉर्ड के लिए भी कहा है। यहाँ एक अच्छा देखने में मिला कि थाना प्रभारी का लोगों से अच्छा संपर्क है और कुछ यहाँ पे लोग अपने स्वेच्छा से भी यहाँ सैनिक के रूप में काम करते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं पब्लिक के बीच में वो काफ़ी मेहनत करते हैं। उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो हमको लगा कि ये इस तरह की चीज़ें और पढ़ा जाती हैं, तो हम उनके साथ क्या मदद कर सकते हैं वाली बात हुई। और ओवरऑल थाने का रख रखा एसडीओपी और टीआई से हमारी बातचीत यही हुई है कि कन्या थाना में और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो सारी बात आई। हाँ, तो हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया गया था कि उनकी जानकारी लेने के लिए, ये भी हमारी एक रूटीन प्रक्रिया है, विजन पिक एंड चूज करते हैं कि इन लोगों से ये लोग बात करते हैं कि नहीं, तो उनके बाद पुराने जो आजतन अपराधी होते हैं संपत्ति संबंधी अपराधों में वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उन पर हमको कितनी वॉच रखना चाहिए और वो वापस मुख्यधारा में आ गए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आए हैं तो हम लोगों को वॉच को ज़्यादा से ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उनसे भी बातचीत की गई। नई बिल्डिंग का अब कुछ थोड़ा सा फर्नीचर का काम बचा था, वो जैसे ही आता है तो उसके बाद ही शिफ्ट करेंगे पूरी तरीके से। इसको आगामी ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन की सतर्कता समझा जाए। हाँ, ये भी कर रहे हैं, सभी कई थानों में भ्रमण कर रहे हैं, शांति समिति की बैठक के लिए भी कहा है और एक मैसेज भी दिया है कि पुलिस को तो वैसे भी त्योहारों के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए, आजकल बालुआ ट्रेल और सामग्री जो है उसको पहनना, गाड़ी में रखना, ये देशों से भी निर्देश है ताकि अलर्ट पोजिशन में रहें। तो अभी हमारा अलर्ट रहने का टाइम है, तो उसी के बारे में भी लोगों को बताया गया।